జపాన్ లో జరుగుతున్న G20 సదస్సులో ప్రధానమంత్రి మోదీ మాట్లాడుతున్నారు. ఇప్పుడు అలా చూద్దాం. ఏక ప్రకార్ సే ఇస్కా కాపీరైట్ భారత్ కే పాస్ హై. భారతీయ హోనే కే నాతే హమ్ సభీ కో భారత్ కే శుభచింతకో కో తో ఇస్ పర్ గర్వ హై హీ పూరే విశ్వ కో భీ ये प्रेरित करने वाला है. इससे फिर साबित हुआ है कि लोकतंत्र के प्रति भारत के सामान्य जन की निष्ठा अटूट है. हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं और लोकतांत्रिक प्रणाली दुनिया में अग्रणी है. साथियों, भारत की यही शक्ति 21वीं सदी के विश्व को नई उम्मीद देने वाली है. ये चुनाव उसका प्रभाव सिर्फ भारत तक सीमित रहने वाले नहीं है, विश्व के लोकतांत्रिक मन को ये प्रेरित करने वाली घटना है. न्यू इंडिया की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए ये जनादेश मिला है और ये आदेश पूरे विश्व के साथ हमारे संबंधों को भी नई ऊर्जा देगा. अब दुनिया भारत के साथ जब बात करेगी तो उसको विश्वास है, हाँ भाई ये जनता जनार्दन, इन्होंने इस सरकार को चुना है, पूर्ण बहुमत के साथ चुना है और इनके साथ जो कुछ भी तय करेंगे ये आगे ले जाएंगे. विश्वास अपने आप पैदा होता है. अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में पूर्ण बहुमत वाली सरकार होने बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन पूर्ण बहुमत वाली सरकार में भी पहले से अधिक जनमत जब जुड़ता है तो वो शक्ति तो बढ़ती है लेकिन उससे ज्यादा विश्वास बढ़ता है. सबका साथ सबका विकास और उसमें लोगों ने अमृत मिलाया सबका विश्वास. इसी मंत्र पर हम चल रहे हैं. वो भारत पर दुनिया के विश्वास को भी और मजबूत करेगा और विश्व को आश्वस्त करेगा. ये मैं अनुभव कर रहा हूं, ये विश्व को आश्वस्त करेगा. साथियों, जब दुनिया के साथ भारत के रिश्तों की बात आती है तो जापान को उसमें एक अहम स्थान है. ये रिश्ते आज के नहीं है बल्कि सदियों के हैं. इनके मूल में